परम मंगल आज स्वागत आपका है आइए, परम मंगल आज स्वागत आपका है आइए। दर्श दे पद परश का सौभाग्य प्राप्त कराइए, दर्श दे पद परश का सौभाग्य प्राप्त कराइए, परम मंगल मिलाइए। इनको जड़ मूल से करी चूर धूर मिलाइए, परम मंगल आज स्वागत आपका है आइए। दर्श दे पद परश का सौभाग्य प्राप्त कराइए, परम मंगल आज स्वागत आपका है आइए। आधि व्याधि उपाधि आदि अनादि से पीछे लगे, आदि व्याधि उपाधि आदि अनादि से पीछे लगे, सबसे प्रभु सुख कंद करी स्वच्छंद फंद छुड़ाइए, सबसे प्रभु सुख कंद करी स्वच्छंद फंद छुड़ाइए, परम मंगल आज स्वागत आपका है आइए। दर्श दे पद परश का सौभाग्य प्राप्त कराइए, परम मंगल आज स्वागत आपका है आइए। बोध का यवरोध है आकर यविद्या ने किया, बोध का यवरोध है आकर यविद्या ने किया, शरण देकर चरण में आवरण दूर हटाइए, शरण देकर चरण में आवरण दूर हटाइए, परम मंगल आज स्वागत आपका है आइए। दर्श दे पद परश का सौभाग्य प्राप्त कराइए, परम मंगल आज स्वागत आपका है आइए। करी कृपा बहते हुए धर्मदास को भवधार से, करी कृपा बहते हुए धर्मदास को भवधार से, नाथ जानिया नाथ गही अब हाथ पार उतारिए, नाथ जानिया नाथ अब गही हाथ पार उतारिए, परम मंगल आज स्वागत आपका है आइए। दर्श दे पद परश का सौभाग्य प्राप्त कराइए, दर्श दे पद परश का
सौभाग्य प्राप्त कराइए। परम मंगल आज स्वागत आपका है आइए। परम मंगल आज स्वागत आपका है आइए। परम मंगल आज स्वागत आपका है आइए। बोलिए सतगुरु देव की जय। भजन के बाद मैं कुछ ही मिनट निवेदन रखने का प्रयास कर रहा हूं, फिर हमारे परम पूज्य श्री गुरु जतन साहेब जी के श्रीमुख से विचार श्रवण करेंगे। सदगुरु कबीर साहेब की एक साखी है, संगत से सुख उपजे कुसंगत से दुख होए, कहें कबीर तह जाइए जहां अपनी संगत होए, जहां अपनी संगत होए। सदगुरु कबीर साहेब संगत के बारे में हम लोगों को अवगत कराते हैं कि संसार में संगत है और कुसंगत है। चाहे घर गृहस्थी में देखो, चाहे साधु समाज में देखो, चाहे राजनीतिक में देखो, कहीं भी देखो, नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। जिस रास्ता पर चलना है अपना मार्ग चुन लो। रास्ता चलने के पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। जो आदमी अच्छे आदमी के संगत करते हैं उसका जीवन बहुत सुधरी घड़ी में रहती है। खाने में, पीने में, बोलने में, चालने में, बैठने में, उठने में। और जो व्यक्ति कुसंग में पड़े रहते हैं उसका तो खाना खराब होता है, पीना खराब होता है, और जब खाना और पीना दोनों खराब हो गया तो पूरा जीना खराब हो जाता है। आज कुसंग के कारण आदमी बहुत समस्याओं को झेलते आ रहा है। ये तो केवल पुरुष जगत के बात नहीं है, नारी जगत में भी जिस घर में सास अगर कुसंगी है, कुलक्षणी है, झगड़हीन है, खबड़हीन है, लवरहीन है, तो घर को पूरा दूषित कर देता है, घर परिवार को बहुत ही कष्ट में डाल देता है, डाल देती है। इस प्रकार से जहाँ भी देखो कुसंग आदमी को मिल जाए वहाँ दुख का सामने होने में कोई देरी नहीं है। इसलिए हम सबको चाहिए सत्संग में आकर के अगर हमारे अंदर में कुछ कुसंग है, कुबुद्धि है, उसको सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। क्योंकि बुद्धि अगर बिगड़ जाए तो सुधारने की कोई दुकान नहीं है। आदमी की घड़ी बिगड़ जाती है, मोबाइल बिगड़ जाए तो बहुत लोग सुधारने वाले मिल जाते हैं, परंतु बुद्धि बिगड़ जाए तब कोई सुधारने वाले नहीं मिलते हैं। बुद्धि की रिपेयरिंग करने की अगर कोई जगह है तो वो है सत्संग। एक बार रामायण की ही कथा है, भगवान राम जब वनवास गए तो तीन लोग गए, राम, भगवान राम, जगत जननी सीता और भाई लक्ष्मण, तीनों जने वनवास गए। 14 साल वनवास बिता करके जब वापस आए तो 6 लोग आए, 3 जने तो गए थे और साथ में कौन कौन आए, विभीषण जी आए और सुग्रीव भी आए और हनुमान जी आए, 3 और साथ में आए। जब 6 महापुरुष पुष्पक विमान से उतरे तो अयोध्या वासी उसके स्वागत में सब कोई पूरा आगे बढ़े थे, गए थे गांव से बाहर स्वागत करने के लिए। जैसे बारात को परघाने के लिए पूरे गांव के नेमी प्रेमी जाते हैं, इसी तरह से इन महापुरुषों को, क्योंकि 14 साल से आ रहे हैं ना, परघाने के लिए पूरे नगरवासी गए हैं। जब पुष्पक विमान से उतरते हैं तो सबसे पहले भगवान राम भाई भरत से मिलते हैं, क्योंकि भरत बहुत दुखी थे और दुखी से होने के कारण जब भगवान राम भाई भरत के सामने जाते हैं तो दोनों हृदय से हृदय लगा लेते हैं। प्रभु राम जी कहते हैं कि भाई 14 साल मेरे जाने के बाद आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ा होगा, क्योंकि राजकाज को संभालना, परिवार को संभालना, प्रजाओं को देखना, आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ा होगा। भाई भरत कहते हैं कि प्रभु आपके जाने के बाद मेरे को कोई कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमारे
नगर वासियों को मैंने जवाब दे दिया, पूरे राजकाज को संभाल लिए, परंतु कष्ट तो आपको मिला होगा, क्योंकि 14 साल जंगल में बिताए हैं। जंगल में न खाने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना, न उठने बैठने का ठिकाना। प्रभु, आप 14 साल कैसे बिताए हैं? बहुत कष्ट उठाना पड़ा होगा। दोनों के आँख में प्रेम के आंसू बह रहा है, दोनों के आँख में गंगा जल प्रवाहित हो रही है, और इधर सुग्रीव और विभीषण दोनों इनके बात को सुन रहे हैं कि ये दोनों भाई हैं, इनके अंदर भी कितना आत्मीयता प्रेम है, एक दूसरे हृदय से लगाकर और एक दूसरे को गलती को अपना गलती समझ करके स्वीकार कर रहे हैं। और एक भाई ये हैं जो भाई भाई में कितना प्रेम है, और एक भाई हम लोग हैं जो अपने भाई के नाश करवाने के लिए अपने घर के भेद बताए हैं। एक भाई हम हैं जो अपने भाई के, विभीषण कहता है, रावण के भेद बताने के लिए मैं कितना दुर्बुद्धि का उपयोग किया। सुग्रीव कहता है कि भैया मैं भी बाली के नाश कराने के लिए, उसके वध कराने के लिए कितना दुर्बुद्धि का उपयोग किया, क्योंकि अगर विभीषण भेद नहीं बताए होते तो राम को कभी रावण को मार नहीं सकता। अगर सुग्रीव अपने भाई के भेद नहीं बताए होते तो राम कभी भी बाली को मार नहीं सकता। तो दोनों कितने बड़े दुखी होकर के यह विचार विमर्श कर रहे हैं कि भैया इतना अंतर क्यों है, राम और भरत के अंदर में आत्मीयता प्रेम, और हम दोनों के भाई भाई के बीच में इतने दुश्मनी क्यों हो गया। तब दोनों ने निष्कर्ष निकाला कि भाई इसका कारण यही है कि भगवान राम और भाई भरत पूरा जीवन भर सत्संग किए हैं, और हम दोनों सत्संग क्या है, संत गुरुजन क्या है जानते नहीं हैं, इसलिए हम लोगों के अंदर में सद्बुद्धि नहीं बल्कि दुर्बुद्धि विराजमान है, और इसके कारण हमने ना करने लायक काम किया। और भाई भरत और राम के अंदर में 14 साल के बाद मिलने के बाद भी थोड़ा भी प्रेम में कोई कमी नहीं है, और भर की हृदय प्रेम के जल से उछल रहा है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा कि संगत से सुख उपजे, कुसंगत से सुख होए। जहाँ भी देखो अगर अच्छा संगत मिल जाता है तो जीवन में बहुत सुख शांति मिलती है, और अगर कुसंग मिल गया तब आदमी को केवल रोने के अलावा कुछ हाथ नहीं आता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहें कबीर तह जाइए जहाँ अपनी संगत हो, वहीं जाओ जहाँ सज्जन आदमी मिले, अपनी संगत हो। जब आदमी सज्जन से सज्जन मिलते हैं ना तो आदमी का हृदय खिल जाता है, और जैसे कोई शराबी से शराबी मिले तो बड़ी प्रसन्नता होती है उन लोगों को, गंजा बाबा कोई गंजा बाबा मिल जाए तो बड़ी प्रसन्नता होती है, परंतु सत्संगियों को सत्संग मिल जाता है, सत्संगी मिल जाते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब इस शाखे में हम सबको बहुत अच्छा विचार, अच्छा अच्छी सीख देते हैं। तो आइए मैं अपनी वाणी पर विराम लेते हुए हमारे बीच विराजमान परम पूज्य परम श्रद्धे संत श्री गुरु जतन साहेब जी से त्रैवार साहेब बंदगी करता हूं। आप अपने विचारों के माध्यम से कुछ देर लाभान्वित करें, फिर पूज्यवर गुरुदेव जी के आशीर्वचन श्रवण करेंगे। बोलिए सदगुरुदेव की जय। बंदो सत्य कबीर के चरण कमल सिर नाय, जासु कृपा दिन करन करी, भ्रमतम देत न साय। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। अभी हम सब हमारे साथी के द्वारा संग और कुसंग पर चर्चा सुन रहे थे। संग का परिणाम क्या होता है और कुसंग का परिणाम क्या होता है, आइए मैं भी इसी विषय पर थोड़ी देर आप सबके बीच अपना विचार रखने जा रहा हूँ। करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, करे गुरु भक्ति।
धर्म करे ते सुख को भोगे पुनः देह धर जूटे। भक्ति किए से मुक्ति को लेवे जग व्यवहार न घोटे। करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे। करे गुरु भक्ति छोड़ कुसंग सुसंग में लागे मिथ्या खर्च से छूटे। छोड़ कुसंग सुसंग में लागे मिथ्या खर्च से छूटे। होवे शक्ति विफल नहीं तन की निज कारज मन पूटे। करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे। करे गुरु भक्ति तृष्णा रहे सुसुख को पावे एक रस चाल अटूटे। तृष्णा रहे सुसुख को पावे एक रस चाल अटूटे। होवे शक्ति विफल नहीं तन की निज कारज मन पूटे। करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे। करे गुरु भक्ति देह स्वभाव शुद्ध सब होवे जीव अज्ञान न कूटे। देह स्वभाव शुद्ध सब होवे जीव अज्ञान न कूटे। कहें कबीर सुफल तेहि काया जन्म मरण से छूटे। करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे। करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे। करे गुरु भक्ति संग दोहे कुसंग और सुसंग। कुसंग का परिणाम अनादि काल से यह जीव जन्म मरण के चक्र में भटकते चले आया है अनादि काल से। यदि सुसंग नहीं किया तो यह जन्म मरण का प्रवाह जो अनादि काल से चल रहा है वह छूट नहीं सकता है, छूट ही नहीं सकता है। रास्ता दो होता है, संग या कुसंग। कुसंग का परिणाम भयंकर है, दुख त्रैतापों के कांटे चुभता है। दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप, जन्म मरण और गर्भवास, इसी चक्र में जीव भटक रहा है। और जो कुछ मिला है, तन मिला, धन मिला, पति पत्नी, सबका छूटना पक्का है, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता है। ये सब मेरा है, सब साथ में जाएगा, क्योंकि कुसंग का आसक्ति इतने जबरदस्त है, छोड़ा नहीं जा सकता है। यदि छोड़ दे, करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे। गुरु की भक्ति, गुरु की सेवा,
तो ज्ञान रूपी धन मिलेगा। खूब लूटो, ज्ञान रूपी धन है। और कौन से ज्ञान? भौतिक ज्ञान ही नहीं, भौतिक ज्ञान के लिए जगह जगह विद्यालय बना हुआ है। लाखों की संपत्ति आप कमा सकते हैं, लेकिन आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते हैं। आत्मा कल्याण के लिए एकमात्र विद्यालय है तो अध्यात्म का ही है, और गुरु ही वहां का वाइस चांसलर होता है। यदि गुरु के बताए हुए मार्ग के अनुसार हम चलते हैं तो इसी जीवन में सारे आसक्ति को दग्ध कर जन्म मरण से मुक्ति आज ही हो सकती है। जियत न तरे उ मोए का तरी हो, जियत ही जो न तरे, गही पर ती तकीन न जिन जासो, सोई तहां अमरे। जीते जीते जो अपना भवबंधन नहीं काट सका तो क्या मरने पर कटेगा? जियत न तरे हो मोए का तरी हो। जीते जीते भवबंधन आसक्ति राग को ध्वंस करना है। कुछ मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, धोखे में हम जिंदगी खो रहे मेरा है करके। इसलिए सदगुरु ने कहा है, मेरा है मेरा है ऐसा मोड़ जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। इस जगती तल में जो जन्मा बैठा कौन यहाँ है? शव के पहले वाले प्रायः कोई नहीं जहाँ है। छोड़ो झूठी तन की आशा, धन की आशा छोड़ो, अहंकार की दुर्धर बेड़ी को विवेक से तोड़ो। मैं मेरी माया के पिंजड़े से उड़ के निर्मोही, अरे भाग चले जा उस प्रदेश में जहां असंख्य द्रोही। तू दृष्टा है सारे जग का, दृश्य दूर माया है, तू चैतन्य अमर अविनाशी क्षण भंगुर काया है। जग की जितनी स्थितियां हैं भरी सात सहता से, नित्य निरति से शुद्ध शांत तो स्थित तन्मयता से। मेरा क्या है, मेरा कौन है और क्या है? बोध होने के बाद में भी जीव भटकता है। बोध हो गया, मेरा कोई नहीं, कुछ भी नहीं कहने का होता है। किसी के घर में बेटी का विदाई होती है तो बेटी का माना हुआ माँ है, बहन है, भाभी है, सब तड़प तड़प करके रोती हैं। लेकिन जो तड़प करके रो रहे हैं उनके घर में दूसरे पड़ोसी लोग आके समझाते हैं, धीरज बंधाते हैं। लेकिन जब उनके घर में बेटी का उनके बेटी का विदाई होती है वह भी तड़प जाता है, क्योंकि बंधन ऐसा, मोह ऐसा है, जबरदस्त मोह है, ममता है, आसक्ति है, छूटता नहीं। तो संसारी लोग तो भटक रहे हैं, ज्ञानी से ज्ञानी साधु कहलाने वाले भी भटक रहे हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा है, अमहल महल दीवाना,
दोनों दीवाना बन करके केवल सत्य असत्य है, कुसंग रूप है, प्राणी और पदार्थ सत्य हो नहीं सकता तीनों काल में, लेकिन उसी के पीछे जीवन को खोता है। छोड़ी कुसंग सुसंग में लागे, मिथ्या खर्च से छूटे, होवे शक्ति फल नहीं तन की, निज कारण मन कूटे। कुसंग को छोड़ने पर ही सुसंग मिलेगा, और सुसंग में लगेंगे तभी कुसंग छूटेगा। इसलिए गुरुवर कबीर देव कहते हैं, भाई रे नयन रसिक जो जागे, पार ब्रह्म अविगति अविनाशी, कैसहु कह मन लागे। ए भाई, नयनों के रसिक है रूपा शक्ति विषया शक्ति से जो जग जाएगा तो उसका मन पुनः संसार में भटकेगा नहीं, और जिसका मन स्वरूप में लग जाएगा, गुरु में समर्पित हो जाएगा, उस संसार में भटक नहीं सकता। जो संसार में भटकेगा वह गुरु में लग नहीं सकता है। इसलिए जागने की आवश्यकता है, कुसंग का त्याग और सुसंग में लगने की आवश्यकता है। समय को ध्यान में रखते हुए मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि प्रसंग तो कहते रहो खत्म होता नहीं है, लेकिन परम पूज्य श्री साहिब जी के दर्शन और वाणी दोनों अनमोल है, आज हमें मिला है। पता नहीं यह अवसर फिर कब मिले कि ना मिले, इसलिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और परम पूज्य श्री साहिब से निवेदन है, आप हम सबको जगाने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। एक बार एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, बोलो सतगुरु कबीर साहेब की जय। अभी आप लोग श्री साहेब जी के द्वारा बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। उन्होंने बताया, करे गुरु भक्त ज्ञान धन लूटे, गुरु की भक्ति करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं तो हमें ज्ञान धन मिलता है। ज्ञान धन संसार में सबसे बड़ा धन है। ज्ञान धन संसार में सबसे बड़ा धन है। सोना चांदी रुपया पैसा धन है, ये शरीर के निर्वाह की चीज है, परंतु जो भक्ति धन है, ज्ञान धन है, विवेक धन है, ये धन है वास्तविक। और इन सबको हम अपने जीवन में धारण कर लें तो वास्तव में जीवन महान बन जाए। इन्हीं सद्गुणों को धारण करने से मनुष्य का जीवन महान बनता है। महात्मा बुद्ध हुए हैं,
महात्मा महावीर हुए हैं, इन्होंने इन सद्गुणों को धारण करके कितने बड़े महान हो गए, भजन करके भक्ति करके और कितने बड़े महान पुरुष हुए हैं। हम लोग भी महान बन सकते हैं, लेकिन कब, जब उनके विचारों को धारण करें, जब उनकी वाणियों को सुनें और वाणियों को सुन करके उसको अपने जीवन में धारण करें। सुन लेना ठीक है, पहले सुनना ही है, उसके बाद में धारण करना है। सुन लिए और उन बातों को अपने जीवन में धारण न करें तो काम नहीं बन सकता है। सुनना भी चाहिए और उन बातों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। भक्ति धन है, ये महान धन है। सद्गुरु कबीर साहब ने बीजक में कहा है, संतो भक्ति सतो गुर आनी, नारी एक पुरुष दो जाया बूझो पंडित ज्ञानी, पाहन फोर गंगे की निगरी चौदिस पानी पानी, पाहन फोर गंगे की निगरी चौदिस पानी पानी, तेई पानी दो पर्वत बूढ़े दरिया लहर समानी, उड़ माखी तरवर को लागे बोले एक बानी, वह माखी को माखा नाही गर्भ रहा बिन पानी, नारी सकल पुरुष वह खाए ताते रहे अकेला, और कहें कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। ये छोटा सा पद है और इस पद में सदगुरु भक्ति की महिमा बताते हैं कि संतो भक्त सतो गुर कीजे, संतो भक्त सतो गुर आनी। हे संतो, अपने जीवन में सदगुरु की भक्ति धारण करो। संतो केवल संत, संत किसे कहते हैं? संतो कहिए श्रोता को, संतो शांत स्वरूप, और संतो कहिए जीव को जो निर्वारत रूप। जो श्रोता हैं वो सब संत ही हैं, क्योंकि कितना अमूल्य समय देकर के लेकर के और वो सुनने के लिए आए हैं। तो श्रोता संतो कहिए श्रोता को, संतो शांत स्वरूप, और जो अपने स्वरूप में रमण कर गए हैं, शांत हो गए हैं, वो भी संत हैं। और संतों का ये जीव को, और जीव को जीव की जानकारी हो जाए। लोग जीव को नहीं जानते हैं, ऊपर वाले को परमात्मा को जानते हैं कि ऊपर परमात्मा बैठा है और वही सबका कर्ता धरता है, वही कर्म फल भोग देता है, वही मोक्ष देता है, और वही सब कुछ करता है, और हम तो अंश हैं, हमारे में कोई शक्ति नहीं है। ऊपर वाला है वही करेगा, लेकिन ऊपर वाला कुछ नहीं है, अंदर वाला है। अंदर में जो चेतन है, आत्मा है, वही ईश्वर है, लेकिन लोगों ने अपने आप को नहीं जाना है, अपने को नहीं जाना है, बाहर भटक रहे हैं। जब संतों के शरण में जाएंगे तब अपने आप का बोध होता है कि ये शरीर है, शरीर पांच तत्वों का पुतला है, और शरीर जड़ है, और इसमें जो निवास करने वाला है, इसमें जो बोलने वाला है, इसमें जो रमण करने वाला है, वही राम है। लेकिन लोग उस राम को नहीं जानते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि संतो भक्त सदोगुर आनी, हे संतो तुम अपने हृदय में सदगुरु की भक्ति करो। सदगुरु किसे कहते हैं? सदगुरु कहते हैं जो अपने आप में रमण कर गए हैं, हाँ।
जो अपने आप में रमण कर गए हैं, जो आप में स्थित हो गए हैं, जिन्होंने संसार की सारी आसक्तियों को, मोह को, ममता को, काम क्रोध लोभ मोह को त्याग कर दिया है, वही सद्गुरु हैं। और सद्गुरु के पास जाते हैं, उनकी वाणी को सुनते हैं, तो जीवन का नक्शा बदल जाता है। कबीर साहब ने कहा है, सद्गुरु वचन सुनो संतो, हे संतो, हे संतो, सद्गुरु के जो वचन है, वाणी वचन है, उनको सुनो। संतों के वाणी वचन सुनते हैं, संतों के जब वाणी सुनते हैं, उनके वचन सुनते हैं, तो वही अमृत है। कितने लोग अमृत की कल्पना करते हैं कि अमृत समुद्र में अमृत नाम की कोई चीज़ होती है और वो बाज़ारों में दुकानों में बिकती है और उसको खरीद लेंगे, उसको खा लेंगे तो हम अमर हो जाएंगे। लेकिन ऐसी कोई वस्तु नहीं है। अमृत है अविनाशी जीव, अविनाशी जीव है वही अमृत है। और जिसको अविनाशी जीव का बोध हो जाता है, जो सोचता है कि शरीर जड़ है, शरीर जड़ है, शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, जैसे मकान है, मकान अलग है और मकान में रहने वाला वो अलग है, तो इसी प्रकार से जीव अलग है और इसमें जो शरीर है ये अलग है। लेकिन लोगों को इस प्रकार से बोध नहीं है, क्योंकि बोध वो संतों के पास जाते नहीं, सदगुरु के पास बैठते नहीं, तो अपने आप का ज्ञान कहाँ से होगा, अपने का बोध नहीं होगा। इसलिए साहब कहते हैं, संतो सदगुरु वचन सुनो संतो, हे संतो, सदगुरु के निर्णय वचनों को सुनो और सुन कर के अपने जीवन में धारण भी करो। सुन लिए हैं लेकिन उनको धारण नहीं करेंगे तो काम कैसे बनेगा। सुनना भी चाहिए, संतों की वाणी सुनना भी चाहिए और सुन कर के उसको धारण भी करना चाहिए, यानी अपने हृदय रूपी पट पर उसको उतारना चाहिए। क्योंकि सुनेंगे और उस प्रकार से अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे तो काम नहीं बन सकता है, काम नहीं बन पर। राम ने भी शिवरी बाई को उपदेश करते हुए रामायण में राम ने शिवरी बाई को 9 प्रकार की भक्ति दी है, और 9 प्रकार की भक्ति के देने के पहले उन्होंने कहा है, नवदा भक्त कहो तो पाहीं और सावधान सुन धर्मन माही। मैं तुम्हारे प्रति 9 प्रकार की भक्ति तो कहूँगा लेकिन सावधान, मतलब सावधान होकर के सुनो। मन तो शरीर तो यहाँ बैठा है, मन कहीं खेत खार में भटक रहा है, मन कहीं दुकान में चला गया है, मन कहीं और चला गया है, तो सुनने का लाभ नहीं मिलेगा। तुम सावधान होकर के सुनो। और तीसरी बात कहते हैं, धर्मन माही, और तो सुन कर के उसको अपने जीवन में धारण भी करो। अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे तो जीवन का नक्शा नहीं बदलेगा। अपने जीवन में धारण करना चाहिए, सुन कर के और अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तो इस प्रकार से सद्गुरु की वाणी को सुनो और सुन कर के अपने जीवन में धारण करो, तो उसको कितना लाभ मिलेगा। तो यहाँ सद्गुरु कहते हैं कि संतो सद्गुरु भक्त सतोगुर आनी। कबीर साहब कहते हैं, संतो सद्गुरु की भक्ति, संसार में सद्गुरु की भक्ति है वो श्रेष्ठ है। क्योंकि लोग पत्थर पूछते हैं, पानी पूछते हैं, पहाड़ पूछते हैं और पेड़ आदि पूछते हैं, ये जड़ हैं, इनके पूजने से कहीं लाभ नहीं मिलेगा।
पत्थर को पूजते रहो, मूर्ति पूजा करते रहो, जिंदगी भर करते रहो, उधर से कोई आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है, उधर से कोई ज्ञान मिलने वाला नहीं है। और अगर संतों के पास जाओगे और उनकी उपासना करोगे, उनके वो जो है वो तुम्हें को ज्ञान देंगे, और ज्ञान देंगे वो कितने ज्ञान की बातें बताते हैं, और उन बातों को जीवन में बताएंगे तो कितना महान हो जाएगा। इसलिए पूजा करना चाहिए तो चेतन मूर्ति की पूजा करना चाहिए। जड़ मूर्ति की पूजा से कोई लाभ नहीं मिलेगा। जड़ मूर्ति पूजते रहो, जीवन में कोई कल्याण होने वाला नहीं है, कोई ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। लेकिन चेतन की मूर्ति, चेतन की पूजा करोगे, संत गुरु के पास जाओगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, और वो ज्ञान की बात बताएंगे, कल्याण की बात बताएंगे, और उन बातों को आप अपने जीवन में धारण करेंगे तो जीवन कितना महान बनेगा। इसलिए राम ने कहा है कि प्रथम भक्ति संतन प्रथम भक्ति संतन कर संगा। वो कहते हैं कि पहली भक्ति, वो यही कहते हैं कि पहली भक्ति मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो, मुझको पूजो। और वो कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों की संगत करना, क्योंकि भक्ति यही है संतों की संगत करना। संतों की संगत नहीं करोगे तो ज्ञान नहीं होगा। संत की संगत करने से ही ज्ञान होता है, संत की संगत करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, वो पहली भक्ति संतों की संगत बता रहे हैं। वो नहीं कहते हैं कि पहली भक्ति मेरा नाम जपो, पहली भक्ति मेरी पूजा करो, पहली भक्ति यज्ञ करो, हवन करो, कर्मकांड करो, ऐसा कुछ नहीं। पहली भक्ति है संतों की सेवा करना, संतों की संगत करना। अगर संतों की संगत करेंगे तो जीवन का कितना बड़ा लाभ होगा। और भक्ति सबको करनी चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को भक्ति मार्ग में लगना चाहिए, क्योंकि भक्ति मार्ग में लगेंगे तो उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये मिलकर के अंतःकरण कहा जाता है। और अंतःकरण शुद्ध होता है तो भक्ति के द्वारा ही शुद्ध होता है। जब आप संतों के पास में जाएंगे और उनकी भक्ति करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तब आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण में जंग लगी हुई है, काई लगी हुई है, अनादिकाल से ये मन के बंधन में पड़ा हुआ है, विषयों के चक्कर में पड़ा हुआ है, राग द्वेष में पड़ा हुआ है, मानसिक विकारों में पड़ा हुआ है, और न मालूम कहाँ कहाँ पड़ा है। तो उसका मन जो है एकदम खराब हो गया। मन लोगों का इतना खराब है कि जीवन में कितने लोग हैं जीवन में एक घंटा भी सत्संग नहीं करते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं बैठत नाई साधु की संगत नाधे जन्म गए। वो कभी साधु की संगत में बैठता ही नहीं, बैठत नाई साधु की संगत नाधे, और वही गृहस्थी में नदे 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 पूरा जीवन चला जाता है, और वो संतों की संगत नहीं करता है। तो संतों की संगत करनी चाहिए, क्योंकि संगत करेंगे तो संगत में आपको सद्बुद्धि मिलेगी। कितने लोग कहते हैं संगत हम क्यों करें, खेती करते हैं तो हमको अनाज मिलता है, सर्विस करते हैं तो हमको धन मिलता है, और व्यापार करेंगे तो हमको धन मिलेगा। ये महात्माओं की संगत करने से हमको क्या मिलेगा? महात्माओं की संगत करने से आपको ज्ञान धन मिलेगा, और वो ज्ञान धन है, ये संसार में सबसे बड़ा धन है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि संतो भक्त सतो गुर आनी। हे संतो, तुम अपने हृदय में, इसका मतलब ये नहीं है कि संत को उपदेश करें, संत सभी हैं,
श्रोता हैं वो सब संत ही हैं, सबको भक्ति के लान में लगना चाहिए, क्योंकि भक्ति के लान में लगेंगे, भक्ति करेंगे, तभी जीवन का उद्धार होगा। तुलसीदास जी ने कहा, अति ऊंचे भूधरन पर भुजगन के स्थान, अति नीचे सुखद एक अन्न और पान। अति ऊंचे भूधरन पर भुजगन के, भुजगन नाम सर्प, बहुत ऊंचे पहाड़ पर सर्प रहते हैं, और नीचे जमीन समतल में एक अन्न और अनाज पैदा होता है। तो कहने का मतलब है कि तुलसीदास जी हैं, कबीर साहब ने भी कहा है कि अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म न तो ले ई सब कोने काज। कबीर साहब भी कहते हैं कि मनुष्य के पास अरब और खरब धन हो, अरब खरब धन कितना होता है सब लोग जानते हैं, कितना होता है महान बहुत, और उदय अस्त लो राज, उदय जब सूरज निकलता है, अस्त छिपता है, अर्थात भूरे भूमंडल पर राज, लेकिन भक्ति की विशेषता में नहीं चलते। भक्ति करने से उसका जीवन महान बनता है, भक्ति करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि संतो भक्त सतो गुर आनी, हे संतो तुम अपने हृदय में सदगुरु की भक्ति धारण करो। जब सदगुरु की भक्ति करोगे, जिनको आप राम कहते हैं और जिनका नाम लेकर के तरना चाहते हैं, वो राम भी भक्ति किए हैं। राम की भक्ति बहुत सराहनीय है, राम के गुरु वशिष्ठ जी हैं और वो अपने घर में सिंहासन लगा है, सिंहासन पर बैठे हैं और राम उनके गुरु महाराज आ रहे हैं, फाटक खुला हुआ है। तो जब गुरु महाराज आ रहे हैं तो राम देखते हैं कि हमारे गुरु महाराज आ रहे हैं, तो सिंहासन से उतर कर के दरवाजे के बाहर जा कर के उनका साष्टांग प्रणाम करते हैं। साष्टांग प्रणाम कहते हैं जमीन में लेट करके प्रणाम करते हैं, फिर सादर अर्घ दे घर आने, फिर वो आदर के पूर्वक अपने घर में ले जाते हैं और 16 भांत पूषण माने, वो एक प्रकार से नहीं, दो प्रकार से नहीं, पांच प्रकार से नहीं, 10 प्रकार से नहीं, वो 16 प्रकार से अपने गुरु वशिष्ठ जी की पूजा करते हैं। यहाँ लोगों को 2-4 प्रकार से भी मालूम नहीं है, और वो 16 प्रकार से अपने गुरु वशिष्ठ जी की पूजा करते हैं। गए चरण से सहत बहोरी, फिर सीता जी आती है, उनके चरणों को धोती हैं, चरणामृत लेती हैं, फिर राम जो है वो जो दोनों हाथ जोड़ करके खड़े होकर के कहते हैं, प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहु, आज प्रभु जी अपनी प्रता को छोड़ कर के हम लोगों पर स्नेह किए, हम लोगों को दर्शन दिए हैं, इसलिए भयो पुनीत आज मम गेहु, वास्तव में आज हमारा घर पवित्र हो गया। क्योंकि शिष्य का कर्तव्य होता है कि गुरु के आश्रम पर जाना और गुरु का दर्शन करना, और गुरु जी स्वयं आकर के दर्शन देते दे देते हैं, तो शिष्य का कितना बड़ा सौभाग्य। एक मरीज का, एक रोगी का कर्तव्य होता है कि डॉक्टर के पास जाना और अपना इलाज कराना, डॉक्टर उसके घर ही पर आकर के इलाज कर देता है, तो रोगी का कितना बड़ा सौभाग्य। एक विद्यार्थी है, उसका कर्तव्य है कि विद्यालय में जाना और अध्ययन करना, अगर मास्टर उसके घर ही में पढ़ाया जाता है तो वो विद्यार्थी का कितना बड़ा कर्तव्य, कितना बड़ा सौभाग्य है। तो इसी प्रकार से शिष्य का कर्तव्य होता है गुरु के आश्रम पर जाना और गुरु का दर्शन करना, और गुरु जी स्वयं दर्शन दे दिए हैं तो कितना बड़ा सौभाग्य। तो इस प्रकार से जिनको राम कहते हैं और जिनके पीछे लाखों लोग लगे हैं, वो भी गुरु के शरण में गए हैं और गुरु की भक्ति की है, तब आज उनका नाम अमर है। आज घर घर में पोटू रखे हैं, उनका नाम ले रहे हैं। तो इस प्रकार से गुरु के द्वारा ही आगे बढ़ते हैं। इसलिए यहाँ कबीर साहब भी कहते हैं,
कि संतो भक्त सतो गुर आनी। हे संतो, तुम अपने हृदय में सदगुरु की भक्ति धारण करो। सदगुरु की भक्ति करेंगे तो क्या मिलेगा? नारी एक पुरुष दो जाया बूझो पंडित ज्ञानी। नारी एक, एक नारी से दो पुत्र हुए। नारी एक पुरुष दो जाया, दो पुत्र पैदा हुए। तो कबीर साहब की वाणी में अर्थ नहीं, ये तो भावार्थ है, शब्दार्थ है। कबीर साहब की वाणी में लक्षणार्थ लगता है, यानी कबीर साहब क्या कहना चाहते हैं। तो नारी है भक्ति, जो महाभारत के जो महात्म्य के पाठ हैं उसमें आया है कि एक नव युति है, वो अपना वृंदावन में वो अपना एक जगह पड़ी है। नारद जी जाकर के उससे प्रश्न करते हैं कि तुम कौन हो? वह कहती है कि मैं भक्ति हूँ और दो मेरे लड़के हैं वृद्ध, ये पड़े हैं, और मैं द्रविदेश में पैदा हुई, कर्नाटक में बढ़ी, महाराष्ट्र में मेरा सत्कार हुआ और गुजरात में जाकर के बुढ़ी हो गई, और यहाँ वृंदावन में आकर के फिर मैं जवान हूँ। वृंदावन में भक्ति है लेकिन वैराग नहीं है। तो इसलिए नारी है या भक्ति, तो जब हम भक्ति करते, नारी एक पुरुष दो जाया, एक नारी से दो पुत्र हुए, तो नारी नाम भक्ति, भक्ति रूपी नारी से जब भक्ति करते हैं, भक्ति करने से जब अंतःकरण शुद्ध होता है, तब दो पुरुष, दो पुरुष कौन है? ज्ञान और वैराग। ज्ञान और वैराग ये दो पुरुष हैं। जिसको ज्ञान हो गया, वैराग हो गया, क्या पूछने, जीवन उसका सार्थक हो गया। ज्ञान और वैराग से ही कोई बंधन बचेगा ही नहीं, कोई भी बंधन नहीं बचेगा, सारा बंधन खलास हो जाएगा। तो भक्ति रूपी नारी से दो पुत्र हुए, दो ये पुत्र हैं, व्यवहार में पुत्र हैं, वो भी अच्छे हैं, ठीक हैं, लेकिन व्यवहार में पुत्र हैं। कैसे, कितने इतने पुत्र हैं जो माता पिता को फूटी आँख से नहीं देखना चाहते, कितने पुत्र होते हैं जो माता पिता को मार डालते हैं, धन के पीछे मार देते हैं। तो आजकल तो और भी हो गया है, पुत्र जो है जहाँ शादी हो गई तहाँ बस वो आ गई, स्त्री आ गई तो वही सब कुछ है, माता पिता को एकदम भूल जाते हैं। तो आजकल के लड़के माता पिता को नहीं पूछ, नहीं सब नहीं, कोई कोई ऐसे होते हैं करते हैं, लेकिन बहुत कम, कम से कम 95% लड़के ऐसे हैं जो माता पिता को फूटी आँख से नहीं देखते। और जब आप भक्ति करेंगे, और भक्ति करने से, भक्ति नारी एक पुरुष जाए, भक्ति करने से जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तो ज्ञान और वैराग ये दो पुत्र हैं। ये ज्ञान और वैराग हैं, ये आपको जीवन मुक्त बना देंगे, यानी मुक्ति पथ पर ले जाएंगे। ज्ञान और वैराग है, ये ऐसे दो पुत्र हैं जो उसको जीवन मुक्त बना देते हैं। जीवन मुक्त का मतलब है जीते जी मुक्त। अब जीवन मुक्त न समझ पाओ तो उसको मुक्त कर देते हैं। ज्ञान और वैराग दो ऐसे पुत्र हैं कि इनको अगर ज्ञान हो जाए, लोगों को ज्ञान हो जाए, वैराग हो जाए, तो वो मुक्त हो जाएगा संसार से, हमेशा के लिए झंझटों से छूट जाएगा। और वो पुत्र हैं, वो पुत्र की ठीक है, सेवा करो, अच्छा है, लेकिन उससे संसार सागर से तर नहीं सकते हैं, छूट नहीं सकते हैं। और उसका ज्ञान हो गया, वैराग हो गया, तो ज्ञान और वैराग से दोनों पुत्र छूट जाते हैं और उसका जीवन महान हो जाता है। तो नारी एक पुरुष दो जाया, एक नारी से, भक्ति रूपी नारी से जब भक्ति करते हैं, तो भक्ति करने से मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध होता है, और अंतःकरण शुद्ध होता है तब उसको ज्ञान होता है, और ज्ञान हो गया तो फिर क्या पूछना है। ज्ञान संसार में सबसे बड़ी, सबसे सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बड़ी चीज़ है। ये रुपया पैसा सोना चांदी धन दौलत हैं,
लेकिन उसके मुकाबले में नहीं है। ये केवल शरीर के निर्वाह की चीज़ है। धन है तो आप मकान बना सकते हैं, धन है तो आप गाड़ी खरीद सकते हैं, धन है तो आप भोजन बढ़िया बढ़िया कर सकते हैं, धन है तो आप कपड़े भी बढ़िया पहन सकते हैं, लेकिन मन की जो टीस है, मन की जो जलन है, मन में जो मानसिक विकार हैं। रावण के पास कितना धन था? रावण कहते हैं रावण के पास इतना धन था, बहुत सर्व सोने की लंक उठाई। उसका लंका है सोने की बनी हुई थी, उसके जो घर मकान है दीवार है वो सोने की बनी हुई थी, इतना धन था। लेकिन और उसका परिवार भी बहुत बड़ा था, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी थी, लेकिन मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उसने सीता का हरण किया, युद्ध हुआ और उसमें मारा गया, परिवार से चला गया, क्योंकि मानसिक स्थिति नहीं अच्छी होने के कारण वो मारा गया। और ये धन है, ज्ञान धन है, भक्ति धन है, ये धन से आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। मानसिक स्थिति अच्छी बनेगी कि आप सोचेंगे कि अभी तक कहाँ जंजाल में पड़े रहे, जीवन कितना महान है, आप स्वयं सम्राट हैं, बादशाह हैं। लेकिन उसका बोध न होने की वजह से, उसका बोध ही नहीं है, बोध न होने की वजह से जैसे कोई राजा है, राजा घूर पे जा कर के और एक 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 एक, एक, एक दाना बीने तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे ये राजा होकर के कैसा है, घूर पे दाना बीन रहा है। इसी प्रकार से मनुष्य के अंदर में महान धन है, ज्ञान धन है, भक्ति धन है, लेकिन ज्ञान धन भक्ति धन को भूल करके और संसार के चक्कर में ठोकर खा रहा है। तो कबीर साहब कहते हैं नारी एक पुरुष दो जाया, भक्ति रूपी नारी से दो पुरुष ज्ञान और बैराग, दो पुरुष होते हैं। वो दो पुरुष ऐसे हैं कि जीवन को एकदम बदल देते हैं, जीवन महान उसका हो जाता है। बूझो पंडित ज्ञानी, कबीर साहब पंडितों को उपदेश देते हैं, पंडितों को इसलिए देते हैं कबीर साहब का ज्ञान बहुत ऊंचा ज्ञान है, ये साधारण लोग उस ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं। कोट ज्ञान कबीर का, कबीर साहब का जो है बहुत ऊंचा ज्ञान है, इसको समझना कठिन है। और पंडित लोग हैं कर्मकांडी होते हैं, ये अपना भागवत करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं और इन्हीं देवी देवताओं के चक्कर में दिन रात पड़े रहते हैं, तो कर्मकांडी हैं। कर्मकांड से नक्शा जी, कर्मकांड से जीवन का उद्धार नहीं होता है। चार कांड हैं, पहला है कर्मकांड, दूसरा है उपासना कांड, तीसरा है योग कांड और चौथा है ज्ञान कांड। तो ये प्रथम है कर्मकांड। पंडित लोग कर्मकांड के चक्कर में पड़े रहते हैं, कर्मकांड करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, ये सब करते हैं और इन्हीं को जनता को इसी में भरमाए हैं। और लोग और वो कहते हैं कि पंडित है, ब्राह्मण है, ये सबसे बड़ा है। तो कोई जात से बड़ा नहीं होता है। वेदव्यास जी कौन थे आप लोगों को मालूम है? वेदव्यास जी धीमरी के पुत्र थे, धीमर नंबर एक के मांसाहारी होते हैं। वो सुबह उठकर कहीं तालाब में जाते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं, मछलियों को मारते हैं। वो उनसे कहो कि भाई ये धंधा ना करो, ये पाप है, दूसरे जीवों को मारना ये पाप है, जीव मत मारो, बापरा सबका एक ही प्राण, जैसे आपका प्राण है वैसे मछलियों का भी प्राण है, उसको नहीं मारना चाहिए। परंतु लोग जो है जिब्या के इतने लंपट हो गए हैं कि जिब्या देवी के लंपट के वजह से, और वो क्या क्या करते, मुर्गा मारते हैं, बकरा मारते हैं और ये देवी देवताओं के नाम पर बलि करते हैं। हिंदू लोग बलि करते हैं और मुसलमान लोग कुर्बानी करते हैं।
कुर्बानी उनका जब कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी का मांस खाते हैं, वो मरे हुए का मांस नहीं खाएंगे मुसलमान लोग। मुसलमान लोग कुर्बानी करेंगे, वो कहते हैं कुर्बानी का मांस पवित्र होता है। तो कबीर साहब कहते हैं जाई मांस को, जाई मांस को तुम पवित्र कहते हो, ताकि उत्पत्ति तो सुनो, रजो वीर से मांस पानी सो मांस न पाकी तुम खाई। रजो वीर से रज और वीर से मांस पैदा होता है, और रज वीर जो है कितनी गंदी चीज है, उसको तुम खा गए, इसलिए मांस नहीं खाना चाहिए। लोग मांस खाते हैं। एक लड़की थी और वो पंजाबियों की लड़की थी, और ये पंजाबी लोग जो है ये पूरम में बसते हैं, और ये लोग बहुत मांसाहारी होते हैं। बिना मांस के उसका भोजन नहीं चलता है। तो वो लड़की है सत्संग में जाने लगी तो जाते जाते उसको बोध हो गया, फिर मांस खाना छोड़ दिए। अब मांस नहीं खाती है, घर में मांस बनता है, वो मांस नहीं खाती है। तो उसकी माँ बोली, अरे तुम मांस नहीं खाते हो तो उसमें मांस न खाए तो शादी नहीं होती है। तो उसने कहा कि तुम्हारी शादी नहीं होगी तो मांस नहीं खाओगे। उसने कहा शादी हो चाहे ना हो, हम शादी को नहीं चाहते हैं, लेकिन हम मांस नहीं खाएंगे। तब वो लड़की है वो संत के पास गई, अरे वो उसकी माँ संतों के पास जाती है और संतों से कहती है कि तुमने हमारे लड़के को मांस क्यों छोड़ा दिया है, वो मांस नहीं खाएगी तो उसकी शादी नहीं होगी, कौन जिम्मेदार है, तुमने क्यों कहा। तो उसने कहा कि लड़के को बुलाओ। महात्मा ने कहा, तो लड़के को बुलाया गया, पूछा गया। महात्मा ने कहा कि हमने तुमको कहा है मांस खाना छोड़ना, कि आपने तो नहीं कहा है, तो तुमने मांस क्यों छोड़ दिया। उसने कहा कि मांस खाएंगे, हम मांस नहीं खाएंगे, मांस कितना घृणित होता है, रजबीज से बनता है, मांस हमको नहीं खाना है, चाहे कुछ भी हो जाए मांस नहीं खाएंगे। तब वो कहने लगा, महात्मा ने कहा माता से, देखो माता वो लड़की क्या कह रही है, हमने नहीं मांस छोड़ाया, उसने अपने आप छोड़ दिया है। तो सत्संग में जाने से जो खोटी बातें हैं और खोटे विचार हैं और खोटी आदतें हैं, लोगों की कितनी खोटी आदतें हैं, शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं, गांजा के दम लगाते हैं और न मालूम क्या क्या करते हैं, ये खोटी आदतें हैं। इन आदतों की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मनुष्य का इनके बिना चलता ही नहीं। हम लोग भ्रमण करते हैं, भ्रमण में ऐसा कोई नहीं मिलता है, सब लोग मुँह में भरे हैं, ठूसे हैं और एकदम दांत एकदम खराब हो गए हैं, मुँह खराब हो गया है, फिर भी तम्बाकू खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं। तो इस प्रकार से लोगों ने अपने जीवन को इतना गिरा लिया है जैसे गेंद छत से गिरती है तो गिरते गिरते नीचे आ जाती है, इसी प्रकार से लोग जो है मानवता से गिरते 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 एकदम नीचे आ गए हैं, और इनके अंदर में इतना नीचपना भरा हुआ है कि अच्छी बातों को नहीं मानेंगे, बुरी बातों को मानेंगे, अच्छी बातों को नहीं मानेंगे, सद्गुणों को धारण नहीं करेंगे, दुर्गुणों को धारण करेंगे। हर एक मनुष्य के पास तीन चीज़ें हैं, शरीर है, चार चीज़ें, तीन नहीं चार, चार चीज़ें हैं। पहला है शरीर, दूसरा है मन, तीसरा है वाणी और चौथा है धन। तो हमारा शरीर भी शुद्ध होना चाहिए, मन भी शुद्ध होना चाहिए और वाणी भी शुद्ध होना चाहिए और धन भी शुद्ध होना चाहिए। कबीर साहब ने एक साखी कही है, तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर होय, और कहें कबीर वह पलक ही कलप बराबर हो।
तन स्थिर, जिसका तन भी स्थिर है, तन से भी कोई गलत काम नहीं करते हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, पैर हिला रहे हैं तो शरीर की चंचलता है, कहीं हाथ नाक में उंगली, कहीं मुंह में उंगली, कहीं कोच, तो इस प्रकार से कितने लोग हैं वो शरीर से भी बहुत चंचल होते हैं। शरीर की चंचलता, शरीर की चंचलता, मन की चंचलता, और मन तो कितना चंचल है, बैठे हैं लेकिन मन कहीं भटक रहा है, मन बहुत चंचल है लोगों का, मन स्थिर नहीं है। एक व्यापारी था, रहने वाला तो था वो देहात का, लेकिन बड़े शहर जैसे आपका रायपुर है उसमें दुकान थी, कपड़े की दुकान थी, कपड़ा बेचता था। तो एक ग्राहक आया और उसने कहा कि हमको कपड़ा चाहिए, कौन मार्किंग। तो उसने कहा क्या मीटर दोगे, उसने कहा 50 रुपया मीटर देंगे। वो कहता है हम तो आपके ग्राहक हैं, हम तो आप ही से खरीदते हैं, आप ही से कपड़ा खरीदते हैं, और कुछ कम कहिए, 50 रुपया कैसे। तो हम तो वो उसने कहा कि अच्छा 2 रुपया कम दे दो, 48 रुपया में भाव हो गया। कितना लोग है कि 100 मीटर। अब 100 मीटर से वो नापता है, जहाँ 100 मीटर को नाप लिया और कैंची से काटता है, और वो मोटी मार्किंग थी, और जब काटता है कैंची से काट करके दोनों हाथों से फाड़ता है, जब दोनों हाथों से फाड़ता है तो उसने धोती को ही फाड़ लिया है। वो सपना में देखता है, न तो वहाँ मकान, न तो सपना देख रहा है वो, न तो वहाँ व्यापारी है, न दुकान है, न कुछ है। तो मन का ये खेल है, ईमन चंचल, ईमन चोर और ईमन शुद्ध ठगहार। मन मन करते स्वर्णर मन झेड़े मन के लक्ष्य द्वार। ये मन चंचल है, ये मन चोर है और ये मन शुद्ध ठग है। इसके मुकाबले में कोई दूसरा ठग नहीं है। ये दिन में तो ठगता है, ये रात में भी लोगों को ठगता है, रात में भी लोगों को ठगता है, नहीं मानते हैं। तो साहब कहते हैं कि ये मन चोर है, ये मन चंचल है, चोर है और ये शुद्ध ठग है। मन मन करते सुर नर मन झेड़े, मन को बस में करो, मन को बस में करो, ऐसा सुर नर मन भी झड़ा गए, क्योंकि मन के निकलने के लाखों दरवाजे हैं और मन निकल जाता है। तो कहने का मतलब है मन है बहुत चंचल है, बहुत चंचल है, लेकिन चंचल है ठीक है, चंचल है लेकिन ज्ञान उससे आगे है। अगर उसको संतों की संगत में जाए, ज्ञान करे, संगत करे और ज्ञान विचार को धारण करे, तो ये मन कुछ नहीं है, मन कोई वस्तु नहीं है, मन कोई चीज़ नहीं है। जो आपने देखा है, सुना है, भोगा है, उसी का संस्कार अंतःकरण में पड़ा है, वही मन है, वही आपको परेशान कर रहा है। आप बंबई नहीं गए हैं तो बंबई का कोई मन ही नहीं बना है, बंबई का कोई याद ही नहीं आती है। तो इस प्रकार से मन कोई वस्तु नहीं है, मन को बस में करना बिल्कुल सरल है, क्योंकि आप स्वामी हैं, मन सेवक है, आप जीव हैं, चेतन हैं, आत्मा हैं, आपका कभी आप अविनाशी हैं, आपका कभी नाश नहीं होता है। शरीर का नाश होता है लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता है। गीता में भी कहा है नैनम छिदंत सहस्राणी नैनम दाहत पाव का न चैनम करे दियंत्यापो न सोशी मारता। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं, अग्नि नहीं जला सकती है, जल गीला नहीं कर सकता है, हवा इसको नहीं उड़ा सकती है, क्योंकि ये तत्वों से परे है, पृथक है, अलग है। तत्वों को जानने वाला है, शरीर को जानने वाला, इंद्रियों को जानने वाला, मन को जानने वाला, विषयों को जानने वाला, काम क्रोध को जानने वाला और सारे संसार को जानने वाला कौन है। सारे संसार को जानने वाला ये जीव है, चेतन है, ये आत्मा है,
आत्मा ही सारे संसार को जानती है, ये सबको जानता है लेकिन अपने आप को नहीं जानता है। ये भूल हो गई, भूल है उसके, भूल उसके अंदर में बहुत भारी भूल हो गई है। ये सबको जानता है लेकिन अपने आप को नहीं जानता है। जब संतों के शरण में जाएंगे, ये भूलन लाल है, ये भूलन लाल बन गया है और ये भूल गया है, अपने आप को भूल गया है, अपने आप का बोध नहीं है, इसलिए महात्माओं के पास में जाएगा तो वो भूल को मिटाएंगे। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, जब पारखी गुरु मिलेंगे, विवेकी गुरु मिलेंगे, तब वो ज्ञान देंगे, तब वो भूल मिटेगी। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे लखाई, और वो पारक को ज्ञान, पारक को लिखा देंगे, पारक नाम स्वरूप ज्ञान आत्मज्ञान को लिखा देंगे। और जब पारक को लिखा, कहें कबीर भूल की औसत, भूल की औसत है वो ज्ञान है, भूल की औसत ज्ञान है, आत्मज्ञान है। और जब उसको आत्मज्ञान हो गया तब वो भूल में नहीं पड़ेगा, एकदम सारी भूल मिट गई और उसका जीवन महान हो गया। कहें कबीर भूल की औसत, पारक सबकी भाई। तो इस प्रकार से यहाँ आकर के संसार में माया मोह के चक्कर में पड़ कर के हम अपने आप को बिल्कुल भूल गए हैं, अपने आप को नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ। जब आप संतों के पास में जाएंगे, सेवा करेंगे, संगत करेंगे, और उनके द्वारा जब बोध होगा, उन संतों के द्वारा जब आपको मालूम होगा, तब भूल मिटेगी। और भूल मिटी गुरु मिले पारखी, पारखी गुरु मिल गए, भूल मिट गई और उसका जीवन महान हो गया। तो इस तरह से मनुष्य भूला है, अपने आप को नहीं जानता है, अपने आप को जानना चाहिए, भूल को मिटाना चाहिए। और भूल जब मिट जाएगी तो उसका जीवन एकदम महान हो जाएगा, महान हो जाएगा। भक्ति, भक्ति एक रत्न है, भक्ति विरत पारक सुथिर रहकर अपनो काज, भक्ति करके विरत ना बैराग करके, और पारक सुथिर का मतलब आत्मस्थिति का अभ्यास करके। जीवन के तीन रत्न हैं, जैसे रत्न होता है तो बहुत मूल्यवान होता है, एक एक रत्न की कीमत जो है, ये रत्न है, इसका सबसे बड़ा धंधा गुजरात में सूरत में होता है, सूरत में सबसे बड़ा धंधा ये रत्नों का होता है। वहाँ पर जाइए तो सूरत में जहाँ देखो तहाँ यही धंधा चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में चूड़ी का धंधा फिरोजाबाद में, फिरोजाबाद एक शहर है, जिला है, और फिरोजाबाद में चूड़ी का धंधा होता है, उतना धंधा कहीं नहीं मिलेगा। घर घर में कारखाने लगे हुए हैं, चूड़ी बन रही है, चूड़ी का सारा सारा काम होता है। तो इसी प्रकार से भक्ति विरत और आत्मस्थिति, ये तीन रत्न जीवन के हैं, और ये तीन रत्नों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। जो तीन रत्नों को अपने जीवन में धारण कर लेगा उसका जीवन कितना महान हो जाएगा, कितना महान हो जाए। आदमी स्वयं महान है, स्वयं श्रेष्ठ है, आदमी से बढ़कर के संसार में कोई भी वस्तु ना महान नहीं है। न कोई ईश्वर है, न कोई अल्लाह है, न कोई देवी है, न कोई देवता है। जो आप लोग देवी देवताओं के चक्कर में पड़े हुए हैं, मिट्टी पत्थर के देवी देवता बना लिए, उनको पूज रहे हैं, उनके पूजने से कल्याण होने वाला नहीं है। संत गुरु के पास जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो उनकी सेवा करने से आपको ज्ञान मिलेगा, और जब ज्ञान मिलेगा तो उससे ही जीवन महान बनेगा। और वो मिट्टी पत्थर के जो देवी देवता बनाए हैं वो तो आपको ज्ञान देने वाले हैं ही नहीं। कबीर साहब ने कहा है, कबरन भक्त बिगाड़िया कंकड़ पत्थर धोए, और अंदर में विसराख है अमृत धारण को। लोगों ने भक्ति के स्वरूप को बिगाड़ डाला, कंकड़ पत्थर धोने लगे, और वही मान लगे कंकड़ पत्थर धो रहे हैं, पूज रहे हैं। अयोध्या में जाइए तो अयोध्या में लोग कंकड़ पत्थर को पूजते हैं और उसी को अपना पंखा लगाते हैं,
और मिठाई बढ़िया बढ़िया ले आते हैं, खिलाते हैं, वो तो खाता नहीं है, अपन खाते हैं। तो कहने का मतलब है, कबरन भक्त बकाड़िया कंकर पत्थर धो, कंकर पत्थर धो कर गए और लोगों ने भक्ति के स्वरूप को बिगाड़ डाला है। अंदर में विष राख है, अंदर में विष भरा हुआ है, वासना का विष भरा हुआ है, विषयों का विष भरा हुआ है और उसी में पड़े हुए हैं। अंदर में विष राख है, अमृत डारन खोल, अमृत कहते हैं अविनाशी आत्मा है, इसको एकदम नष्ट कर दिए हैं। आत्मा है वो अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता है, वही आत्मा है। लेकिन संतों की संगत करो, सेवा करो, तब वो आत्मा का ज्ञान होगा, और आत्मा का ज्ञान हो गया तो फिर भटकना बंद हो जाएगा, हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। यही भक्ति का फल है, भक्ति का फल यही है कि भक्ति करने से उसको आत्मज्ञान हो जाता है, और जब आत्मज्ञान हो जाता है तो एकदम मुक्त हो जाता है। फिर उसको कोई वस्तु की ज़रूरत नहीं है, ना उसको, ना उसके जीवन में काम क्रोध रहेगा, ना उसके जीवन में बस वासना रहेगी, ना उसके जीवन में राग द्वेष रहेंगे, ना उसके जीवन में और कोई वस्तु रहेगी, उसका जीवन महान हो जाएगा, महान। तो इस प्रकार से भक्ति के मार्ग में सबको लगना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको लगना चाहिए, सबको भक्ति करना चाहिए, क्योंकि भक्ति करने से ही जीवन का लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से मैंने कुछ बातें आप लोगों के सामने कहीं, उन बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के कल्याणकारी विचार श्रवण कर रहे थे। कार्यक्रम समापन की दिशा में है। समापन के पूर्व मैं एक भजन आप सबके बीच रखने का प्रयास कर रहा हूं, उसके बाद फिर आप सब प्रसाद लेकर के यहां से प्रस्थान करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे रखे कोटिन यज्ञ समान हो, कोटिन यज्ञ समान। मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का, गुरु बंदगी का नहीं है भरोसा, जरा जिंदगी का नहीं है भरोसा, जरा जिंदगी का। निकलते हैं सड़कों पर तू फैशन लगा कर, अकड़ते हैं तन को बड़ाए सजा कर, अकड़ते हैं तन को बड़ा तू सजा कर। बनाए पिटारा भरा गंदगी का, भरा गंदगी का नहीं है भरोसा, जरा जिंदगी का नहीं है भरोसा, जरा जिंदगी का। मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का, नहीं है भरोसा, जरा जिंदगी का। लगाए मोहब्बत के सुंदर बगीचे, सजाए भवन को तू बिछा कर गलीचे, सजाए भवन को बिछा कर गलीचे। सदा साथ देती नहीं आदमी का,
नहीं आदमी का नहीं है भरोसा, जरा जिंदगी का नहीं है भरोसा, जरा जिंदगी का मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का नहीं है भरोसा, जरा जिंदगी का नहीं है भरोसा, जरा जिंदगी का। चला दिल के अंदर दया का फुहारा, दिया दान दुखियों को जिसने सहारा, दिया दान दुखियों को जिसने सहारा, उसी का है जीवन, उसी का है जीवन, हंसी और खुशी का, हंसी और खुशी का नहीं है भरोसा, जरा जिंदगी का नहीं है भरोसा, जरा जिंदगी का मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का, गुरु बंदगी का नहीं है भरोसा, जरा जिंदगी का नहीं है भरोसा, जरा जिंदगी का। उम्र देख पल पल घटी जा रही है, उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है, समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, इशारा घड़ी का नहीं है भरोसा, जरा जिंदगी का नहीं है भरोसा, जरा जिंदगी का मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का, गुरु बंदगी का नहीं है भरोसा, जरा जिंदगी का नहीं है भरोसा, जरा जिंदगी का नहीं है भरोसा, जरा जिंदगी का। बोलिए सतगुरु देव की जय। आज के कार्यक्रम में आप सब प्रसाद लेते जाएंगे, सामने फूल है, जो बंदगी करना चाहते हैं बंदगी कर सकते हैं और आशीर्वाद लेंगे, उसी के साथ ही यह आज का कार्यक्रम समाप्त की घोषणा की जाएगी। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।